मित्रों, द डिवाइन सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगली दोष के बारे में। मंगल दोष मंगल ग्रह के होने से बनता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें घर में हो तो ये मंगली योग कहलाता है। कुछ लोग इसको मंगली दोष भी कहते हैं, मैं इसको दोष नहीं कहूँगा, ये योग कहा जाता है। तो मंगली दोष क्यों होता है, इसके आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे बचने के उपाय क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप ये मेरा वीडियो अवश्य पूरा अवश्य देखें और अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको उपाय भी इस वीडियो में बताऊंगा और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे कि इसी प्रकार के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहें। और आप कमेंट भी करें मेरे वीडियो के ऊपर, जो भी आपको लगता है कि करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंगली दोष होने से नुकसान क्या है। देखिए, मंगली दोष होने का जो सबसे बड़ा कारण है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मंगल यदि पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें घर में हो तो मंगली योग कहलाता है। मंगली योग सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर है या जो देखा जाता है, वो देखा जाता है कि शादी विवाह के अंदर। तो जो व्यक्ति मंगली होता है और उसकी शादी यदि मंगली व्यक्ति से नहीं होती तो दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। अब इसका कारण क्या है? देखिए, मंगल ग्रह जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, कॉन्फिडेंट है, ताकतवर है और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है। तो यदि कोई व्यक्ति मंगली है तो उसका पार्टनर भी मंगली होना चाहिए। यदि वो पार्टनर मंगली नहीं होगा तो दोनों की केमिस्ट्री मैच नहीं करेगी, दोनों का व्यवहार अलग अलग होगा, इस वजह से उनके परिवार में झगड़ा होगा। और जो व्यक्ति मंगली होगा वो अपने पार्टनर के ऊपर हमेशा भारी पड़ेगा। दूसरा पार्टनर बीमार हो सकता है, दूसरा पार्टनर हमेशा उसका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले यदि हम शादी करने जा रहे हैं तो ये देखना है कि उनके हमें गुण बराबर मिलाने चाहिए। जितने अधिक गुण मिलेंगे उतना अच्छा होगा। और दूसरा, प्रयास करिए कि मंगली की शादी मंगली से ही हो। अब दूसरी बात आती है कि यदि शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद इस प्रकार की परेशानी आ रही है कि जिस परिवार के अंदर ज़्यादा कलेश होता हो, परिवार में अनबन होती हो, रिश्ता टूटने की बात आती हो, तो क्या करना चाहिए कि ऐसे परिवार के अंदर मंगल दोष खत्म करना चाहिए। अब मंगल दोष खत्म कैसे हो? देखिए, मंगल ग्रह के संबंध में जितनी भी चीज़ें हैं, मंगल को जो रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसी चीज़ों से अपने को दूर रखना चाहिए। क्योंकि मंगल की यदि वस्तुओं का हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो मंगल दोष को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, यानी कि मंगल को शक्ति देंगे। और जब मंगल को शक्ति मिलेगी तो व्यक्ति और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? मंगल की चीज़ों को थोड़ा सा डाउन करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि और क्या करना चाहिए। देखिए, जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल दोष की वजह से घर में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे लोगों को अपने घर का जो कलर है, स्पेशली जिस बेडरूम का जो कलर है, वो रेड कलर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि लाल रंग जो होता है वो मंगल ग्रह का कारक होता है और मंगल ग्रह से मैंने जैसे बताया कि वो कलर आप यूज करेंगे, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो आपकी ड्रेसेस में हो, तो उससे क्या होगा, मंगल ग्रह आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। दो बातें। तीसरी बात, जो व्यक्ति
मंगल दोष के वजह से परेशान है, क्योंकि मंगल दोष के होने से क्या होता है, घर में कलह के साथ साथ घर के अंदर हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं। पति पत्नी हमेशा दोनों में से कोई ना कोई बीमार रहेगा, खास तौर से जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को दक्षिण मुखी घर में नहीं रहना चाहिए। और यदि वो किसी कारणवश उसको बदल नहीं सकता तो कम से कम मंगल से संबंधित चीज़ों को अपने घर से विदा कर देना चाहिए। दो बातें। तीसरी बात जो हमेशा बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जिन लोगों का मंगली दोष की वजह से परिवार में बहुत झगड़े होते हैं, ऐसे लोगों को अपने घर में, अपने घर के अंदर ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ग्रे कलर हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी सब मंगल को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अब तीसरी बात आती है कि जिन लोगों के मंगल होने की वजह से घर के अंदर संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को मंगल ग्रह का उपाय करना चाहिए। अब मंगल ग्रह का दूसरा उपाय क्या है जो हम बात करेंगे, यदि आप बजरंग बाण का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। यदि आप हर मंगलवार को यदि बूंदी का प्रसाद बांटे तो आपको लाभ होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने यहाँ पर इस उसमें बताए हैं, यदि आप इनको करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होने वाला है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबाइए, और यदि आपको लगता है तो मेरे इस वीडियो के लिए आप कमेंट भी करिए, जिससे कि मैं आपको इस प्रकार के नए नए वीडियो आपके पास अपडेट करता रहूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो एक विषय है वो ये है कि आपको भय, भ्रम और डर से निकालना है। तो जो भी चीज़ें होंगी वो साइंटिफिकली मैं आपके सामने हमेशा लाता रहूँगा। तो मेरा एक बार आपसे दोबारा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अंत तक मेरे वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, अगले टाइम फिर दोबारा मिलूंगा एक नया विषय लेके, जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि, आपको अपार सफलता देगा। और आप मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।